वस्त्रार्जुन भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, काली मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, धर्म की जय हो, सोंडिक समाज की जय हो, सोंडिक समाज की जय हो, सोंडिक समाज की जय हो, भूमि दाता की जय हो, सोंडिक समाज के दान दाता की जय हो, जय हो, हो गया जी। नमस्कार, आज बड़ा ही शुभ दिन है और जगन्नाथ रथ यात्रा जहां पर उड़ीसा पुरी में पूरे ही धूमधाम के साथ उनका रथ यात्रा निकाला गया है। और खास बात यह है कि आज सुंडी समाज के सब जातीय बंधुओं के द्वारा अनूठी और मतलब यू के अतुलनीय और अद्भुत कार्य करके आज एक मिसाल कायम किया है। आइए हम लोग जानकारी लेंगे क्या कार्यक्रम है जिसका यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद में काफी संख्या में सैकड़ों संख्या में नारियल टूटे हैं। अभी यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ हुआ है वैदिक मंत्रोच्चार पंडितों के द्वारा और बताया जा रहा है कि आज भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है। सुनबास से बीएनबी बात कर रही है। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के अधिवक्ता दशरथ प्रसाद जी से जिनका मतलब भूमिदाता है यहाँ पर जो दिए है सोंडिक समाज के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस शुभ अवसर पर दशरथ भैया, बताइएगा। सोंडिक समाज के लिए आज हमारे पूरे गिरिडीह जिला का बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोग इसको इस रथ द्वितीया के दिन में हम लोग एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं इस खुशी से कि हमारे सोंडिक समाज के सहयोग से आज हम लोग सोनबाद पंचायत के अंतर्गत सोनबाद ग्राम में जिला स्तर पर एक भव्य छात्रावास निर्माण करने का हमारे स्टीयरिंग कमेटी ने तय किया था और उस तय के अनुकूल आज हम लोग पूरे विधि विधान के साथ और हमारे सोनबाद पंचायत के मुखिया श्रीमती चमेली देवी के उपस्थिति में और हमारे जितने भी प्रबुद्ध समाज के लोग हैं अगुआ साथी और बुद्धिजीवी गण के बीच में आज हम लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किए हैं और 23 नवंबर 2023 से हम लोग इस कार्य को आगे विस्तार करने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं जो ये छात्रावास में रह करके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने का माने एक दिशा एवं दशा देने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग को आज समाज के लोग को बहुत खुशी है, मुझे भी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दशरथ भैया कि जो आपने जमीन दान करके एक समाज में नई मिसाल कायम किया है। यहाँ पर कैलाश मुखिया जी हैं, कैलाश भैया जी हैं, पटमनिया के पूर्व मुखिया हैं। आइए बात करेंगे इनसे इस शुभ अवसर पर कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा अपने समाज की ओर से। और आज हमारे जिले के जी गिरिडीह जिले के तमाम आज हम एक सोंडिक समाज जितने हमारे जिले में निवास करते हैं आज उनके लिए मेरे लिए उनके लिए पूरे परिवार के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि आज हर किसी को हमारे समाज में गौरवान्वित महसूस करने का दिन हम लोग सभी के माध्यम से आज जो हुआ है रथ यात्रा के दिन हम लोग तय किए स्टीयरिंग कमेटी की परसों दिन मीटिंग जब हुई थी कि आज ही के दिन हम लोग भूमि पूजन करें और अब एक अपना छात्रावास हम लोग पूरे समाज को दें। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो भी बात हो रही थी दशरथ प्रसाद वकील साहब जो हमारे इनकी अहम भूमिका रही जिन्होंने एक सबसे पहले हमारा होली मिलन समा कार्यक्रम था हम कुछ बैग ले जाना चाहते वहां इन्होंने कहा था कि हम जमीन दे रहे हैं वहीं से इनका नाम जमीन दाता में हुआ था। और आज इस यहां जो हम लोग शिलान्यास जहां किए वहाँ इनका जमीन के साथ साथ एक सोनबाद ग्राम भी को भी लोग जमीन दिए हैं जमींदार उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका उस ग्राम का रहा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलकर आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं और जिनके मैंने 23 नवंबर को हमारे आराध्य देवता शस्त्र अर्जुन का जन्मदिन है उस दिन यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होगा और उस दिन इसका छात्रावास का दिशा और दशा जो है सो तय होगा। और निश्चित तौर पर आज मैं सभी जिला से सभी जिले के गणमान्य लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग पहुंचे और नहीं पहुंचे उनको भी अपने ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं जिन लोग तक खबर सोशल मीडिया के तहत हुआ समय कम के अभाव में। और आप सभी आकर के 23 नवंबर को इंतजार न करके आप सब आकर के इस स्थल को देख भी सकते हैं और अपने अपने सुझाव भी रख सकते हैं यहाँ किस तरह की भव्यता और किस तरह की कार्यक्रम हो और किस तरह का भवन बनो सब अपना एक सुझाव मतलब दे सकते हैं। और निश्चित तौर पर उन लोगों को भी मैं सभी साथियों को भी तैयार हो रहने के लिए मैं कहता हूं जिन्होंने दो बार साहस धर्मशाला में मीटिंग हुई थी और दो बार अपने अपने योगदान शुल्क जो तय किए हैं मैं इस माध्यम से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो भी तैयारी रहे और अपना अपना योगदान समाज को दे। सभी का योगदान और सभी की भागीदारी जरूरी है निश्चित तौर बिल्कुल जरूरी है। इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ
धन्यवाद। और गर्व से कह सकते हैं, अब सुंडी कह सकता है गर्व से कि 56 इंच हमारे पास है, क्योंकि आज भूमि पूजन हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं रेखा जी के पास, जो यहाँ संवाद की स्थानीय है, आंगनबाड़ी सेविका भी है। इनसे जानेंगे कैसा अनुभव कर रही है आज इस भूमि पूजन को लेकर के, आपके समाज का आज नया उत्थान, नया जन्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ सोनबाद ग्राम में जो भूमि पूजन हुआ है उसको लेकर बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है, और ये अनुभव भी कर रही हूँ कि इस पूजा में हम लोग महिलाएं भी भाग लिए, क्योंकि हम लोग तो बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे और बहुत कम समय मिला हम लोगों को की जानकारी की महिला को भी इस प्रोग्राम में आना है, कार्यक्रम में भाग लेना है। और सबसे खुशी की बात है कि मेरा सोनबाद गाँव में ये मौका मिला, ये सुनहरा मौका मिला, और ये जो कहा जाता है कि सोनबाद सोने का गांव है वो सचमुच सोने का गांव है। और मैं सभी गणमान्य बंधुओं अभिभावक गण से कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार हम लोग सुंडी समाज को एकता बनाए हैं, उस प्रकार हम लोग एकता को बनाए रखें और इधर उधर की भटकाव में नहीं जाएं। कोई भी चीज में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन इधर उधर की बातों को टाल मटोल करके हम लोग एक एकता को बनाए रखें, एक मंच को बनाए रखें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जबरदस्त बात कही है रेखा जी ने, जो सभी समाज के साथियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। देखिए, कोई भी अच्छा करे, अच्छा कोई भी करे, उसे करने देना चाहिए, ये ना कि उसका टांग खींचना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं चमेली देवी मुखिया जी के पास, जो इस पंचायत की चैंपियन मुखिया है चमेली देवी जी, उन्हीं से पूछेंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि कोई भी मामला होगा तो मुखिया जी को ही सबसे पहले पकड़ा जाएगा। जी मुखिया जी, दो शब्द बोलिए। चलिए, कैसा लग रहा है आपको आज, कैसा लग रहा है? दो बात बोलो कैसा लग रहा है? बोलो आपको, इतना बोला कि बहुत बढ़िया है। आज जो भूमि पूजन हुआ, छात्रावास बनेगा, मुखिया जी कैसा लग रहा है? आप खुश है ना? चलिए एक बार ताली मारिए, तभी जानेंगे सब आप लोग मिलकर के मुखिया जी खुश हैं। आइए चलते हैं हम लोग सुरेंद्र जी के पास, जो इस मतलब छात्रावास निर्माण में अहम रोल, अहम भूमिका निभाने वाले हैं, और सारी जिम्मेवारी की यूं कहे कि बहुत इनके पाले पड़ने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि भैया कुछ तनिसन बोल, किरक समझवा चलतो, बड़ी समझवा टंग हो गलो, बड़ी नोचो हो गरे हो, बनाना छात्रावास, बाल बच्चा बुतरु पढ़तो, तो किरण समझ वाले बताए। हम लोग भूमि पूजन हुआ है, याद गदगद हो गया। हम एक सुनी जात के जकरा आदमी बोले हले कि मोबाइल जात लागो, सुनी जात एक जगह रहे ना पारे, और हमरा आज बुझाए कि हमने सुनी जात एक जगह रहे के पहले जगह होवे ना हले, अभी कहाँ जाए एक जगह हमने चुन लिए। पूरा जिला वाला जो आदमी सुनवाद गांव के चुनलक है, सुनवाद गांव के चुन के ये निर्णय ललके कि सुनवाद में सब सुनी एक जगह रह पारे, इसलिए जैसे सुनवाद के गांव वाला के तरफ से हम पूरे गिरिडीह जिला के सुनी साहब भाई के, बहन के, दीदी के, दादी चाची साहब के हम हार्दिक अभिनंदन कर रही है, प्रणाम कर रही, सम्मान दिए कि हमने पर जो इतना विश्वास कर लिया है, वो विश्वास पर सुनवाद के सब आदमी खड़ा उतरते। और सुनवाद आज जैसे वास्तव में ही सोचे लगले कि हमने सुनी एक हो गलिए, और आज के बाद जिलवा के सब सुनी भी यहाँ इतने धीरे धीरे सब एक हो जीते, जिरंग जैसे चुम्बकवा में सटले जाए लोहवा ने, जिरंग सोनबाद से सब सुनी सट जीते एकदम। 23 नवंबर के पूरे झारखंड के जितना हमारे सुनी जात के नेता है, कम से कम 51 गो नेता है, एकदम विधायक और पूर्व एमपी है, जितना झारखण्ड में सुनी जात के नेता है, सब के सब पूरे झारखंड से 23 नवंबर के बुलावल जीते, और 3 बेर के यहाँ खाना व्यवस्था रहता है, सुबह, दोपहर और शाम, जकरा बोले हमने जलपान, कलवार, बिहारी, तीनों चीज के व्यवस्था करवे। सुनवाद के आदमी सेवा में रहते है हमेशा लागल। आज किरण बुझे लो भैया, आज हमारा तो बतलियो कि पहले जो हमने खुदुर बुदुर और गुदुर बुदुर मना करे हले कि सुनी एक होते न होते, आज जगह बात देख के हमारा बुझा गए कि सुनी जाए तो एक हो गए, और हमारे मन एकदम पूरा गदगद हो गए, एकदम पूरा जैसे दिल एकदम लागे कि भर गए एकदम। हमरो शक हलो पहले कि सुनवाद में सच्चे सोना है ना, लेकिन आज पता चल गलो कि सोना हो, इसलिए तन में बांटे की जरूरत हो। अब हम सहस्त्रार्जुन भगवान के जय हो, जय जय हो। हम लोग चलते हैं मुखिया जी के पास, जो रेम्बा पंचायत के मुखिया जी हैं, धीरेन्द्र मंडल जी, आइए बात करते हैं इनसे, क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? देखिए, आज तो मेरे शब्द में इतना बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भाव से पता चल सकता है कि भाषा मेरा क्या है। रह गई बात कि आज जो भूमि पूजन हुआ है सुनी
एकता का और सूरी धर्मशाला का और सूरी समाज छात्रावास का। मैं समझता हूँ कि आज जो ये महिलाएं लोग भाग ली, मैं समझता हूँ कि यादि शक्ति हमारे साथ जुड़ गई। और जहाँ महिला की भागीदारी होती है ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ विफल होता है, उनकी सफलता सुनिश्चित होता है। जैसा कि रेखा देवी जी ने अभी बताई, मैं उनकी बातों को सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपील करूंगा पूरे समाज के लोगों से कि महिलाओं को जोड़े और हम लोग जो धर्मशाला और छात्रावास का जो आज भूमि पूजन किए हैं, इस भूमि पूजन को और छात्रावास को भव्य बनाने के लिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं को जोड़िए। महिलाओं की अहम भूमिका होती है और उनकी अहम भूमिका के साथ हम सुनिश्चित रूप से सुनी समाज अखंड है, अखंड रहेंगे और विकराल विरासत में एकदम अपने आप में आज छात्रावास और धर्मशाला का निर्माण करेंगे। अद्भुत छात्रावास का निर्माण होगा। आइए, एक महिला है, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? जो यहाँ भूमि पूजा हुआ, अच्छा लगा। इस तरह लगा कि हम लोग का लग रहा है कि हम लोग जात में एक बहुत बड़ा त्यौहार हो रहा है। त्यौहार से हम लोग का मतलब उनके समाज में लोग ताकत मिल रहा है, जोड़ने के लिए लोग समाज में मतलब एक बैठक करेंगे, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह टूटी फूटी होगा तो उसको मतलब सुंडी समाज से जोड़ा जाएगा। जी जी, कह रहे हैं चाची, ठीक लगलो ने बता, बुझली ने बुझ गए चाची। भैया आपका क्या कहना है, थोड़ा बोलिएगा। आज सुंडी समाज का गिरिड जिला में जो छात्रावास बनने जा रहा है, भूमि पूजन हो चुका है इसका। अब हम लोग सभी स्टेयरिंग कमेटी के लोग और कोर कमेटी बनाया जाएगा, सभी सदस्य पूरे जिले में जाकर सुंडी समाज से मिलकर हम लोग इसको भव्य विशाल विकराल छात्रावास बनाने का काम करेंगे। आज हम लोग सौस सुंडी, सौस संवाद और सौस सुरेंद्र मंडल यहाँ के जो अगुवाई किए हैं और भूमि पूजन हुए, SSS सत्यम शिवम सुंदरम, आनी सभी लोग हम लोग एक साथ हो चुके हैं। बिल्कुल, आइए हम मिलाते हैं अपने सोंडिक समाज के एक बेताज बादशाह हमारे भाई गुलाब जी से, गुलाब मंडल जी से, जो अपने आप में एक शख्सियत और अपनी पहचान रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आज इस समाज को लेकर के, आज भूमि पूजन को लेकर? तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपना समाज को। और आज हम लोगों का यहाँ पे जो भूमि पूजन हुआ उससे आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारा समाज सभी समाजों से आगे बढ़ेगा। और हम लोग का यहाँ पे जो बहुत धर्मशाला बनेंगे और विवाह भवन बनेंगे, जिससे हमारा समाज का हर दृष्टिकोण से आगे ले जाएंगे। बस इतने ही करके हर दृष्टिकोण से आगे लेकर के जाएंगे। चांदो चाचा यहाँ पर हैं, जो मुख्य पुजारी की भूमिका निभाए हैं, ये थोड़े पकड़े पड़ते मुख्य भूमिका निभाए हैं। हम चाहेंगे कि वो अपने दो शब्द बोले, ये पकड़ना आपको पड़ेगा, हमसे नहीं पड़ेगा, बोलिए। आज रूप से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारे सोनबाद गांव में जिला के कमेटी की ओर से आयोजित किया गया था कि इसके पूर्व की बैठक में पंचायत भवन में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार आज रस द्वितीया के दिन में सोनबाद की पावन भूमि में सोनबाद सुंडी समाज का जो छात्रावास का आज भूमि पूजन हुआ है, इसके लिए हम हार्दिक जी और तहे दिल से सभी सोंडिक भाइयों से पूरे जिले भर के लोगों को मैंने अपने तरफ से आशीर्वाद, प्रणाम और शुभाशीर्वाद देना चाहता हूं कि यह जो निर्णय लिया गया है, आज जो भूमि पूजन किया गया है, इससे सभी आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आज पूरे जिले के सुंडी समाज के लोग हम लोग एक हैं और एक ही हुए हैं। तब इस सोनबाद के पावन भूमि में, सोना जैसा भूमि में हम लोग छात्रावास और विवाह भवन का जो निर्णय लिए हैं, आज जो भूमि पूजन हुआ है, इसके लिए हम अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, ताकि इससे हमारे बाल बच्चे, हमारे स्वजाति के लोग पढ़ने लिखने में और साथ ही इस सामूहिक विवाह भवन बनाने से हम लोग स्वामी विवाह का भी और भी तरह का आयोजन करेंगे, जिससे मेरे पूरे समाज का, पूरे सुनी समाज का सर ऊंचा होगा और गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं इतनी ही बातों को बोलकर आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। तो देख पा रहे हैं कि मौसी भी खुश, बसंती भी खुश और हमारा सोनबाद के चांदो चचा भी खुश। निश्चित रूप से तो यह कार्यक्रम ही ऐसा है और यह समाज के लिए एक नया उत्थान का, ऐतिहासिक उत्थान से लोग अभिभूत हैं।
पुलकित हैं, काफी खुश हैं और लोग आनंद भी ले रहे हैं। बहुत लोग छूट गए हैं भाई लोग। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष महोदय वीरेंद्र मंडल जी का अभी चाहेंगे कि वो भी तो शब्द वीरेंद्र भैया बोले। कैसा लग रहा है वीरेंद्र भैया, इस सपना जो हुआ साकार आज होने का प्रारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है। हम लोग के समाज की ओर से बहुत दिन से मांग हो रहा था कि छात्रावास का मैंने भवन बने और रथ यात्रा, द्वितीय रथ यात्रा का दिन आज इस अवसर पर आज भूमि पूजन हुआ है। हम लोग समाज सब मिल के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे मिलकर के। आशीर्वाद बना रहेगा आप सस्रा अर्जुन की जय। अगर कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं तो शस्त्रार्जुन की, शस्त्रार्जुन भगवान की जय जरूर बोल दे। चुम्बो मुखिया जी कहाँ हैं? आप नाश्ता कर रहे हैं, चुप करिएगा। आइए विज्ञापन दीजिए तो शस्त्रार्जुन भगवान की जय बोल दीजिए कम से कम। और कोई समाज के लोग कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, कह सकते हैं। राजेश जी मिठाई खिला गया कुछ दस बोलिए थोड़ा भैया, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में? भूमि पूजन जो हुआ है, सपना साकार हुआ है, कैसा लग रहा है आज? क्योंकि आग लगाने में आपका भी योगदान है। आज का ऐतिहासिक इस जिले के जितने भी प्रखंड हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह विनती करना चाहूंगा कि आप जो है आप अपना अपना योगदान जरूर करें और आए और इस भूमि को आप नमन करें, जिस भूमि में कई वर्षों का तपस्या का जो फल मिला है वो आज भूमि पूजन के रूप में हुआ है। धन्यवाद। जय। हमारे भाई साहब आए हुए हैं, हमारे छोटी समाज के हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आज सुबह अवसर पर। चुंगलो पंचायत के मुखिया भी है आज पंचायत समाज के भूमि पूजन किया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और इस तरह का लगातार अपने समाज पे लेकर 13 ब्लॉक में हम लोग ने संगठन प्रचार किए और जिला में भी और समाज को चलाने के लिए सभी बुद्धिजीवी लोगों को आज विचार बना, बहुत खुशी की बात है। आज सुनी समाज के छात्रावास या धर्मशाला का जो निर्माण, ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है और आने वाला दिन हम लोगों को बच्चों के भविष्य की इसमें सुरक्षित रखा गया है, यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं विनोद भैया के पास जो बड़ा दूर से आए हैं और लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल करने में, इनका पेनी नजर बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे भैया शुभ अवसर पर? आज बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग परसों से जो सपना है, बीते दिनों से सपना था कि हमारे सोंडिक समाज सोंडी का एक अपना भवन धर्मशाला हो, आज लगता है हम लोगों की सपना साकार होते आ रहा है, सपना साकार दिखते आ रहा है। जो सपने साकार की प्रथम सीढ़ी को हमने हासिल कर लिया है कि वह जो है सो भूमि पूजन का कार्यक्रम करके हम सभी सोंडिक संघ जो है इनके बहुत बहुत जो है सो पूर्व से सपनों को चलते आ रहे थे कि आज हम लोग का धर्मशाला, आज हम लोग का भूमि, आज हम लोग का छात्रावास का निर्माण करना करते करते हम लोग जो है सो कभी जो है सो वह उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाए थे। आज बहुत अच्छा हम लोग को खुशी के आभार की बात लगा कि ये हम लोगों ने कार्यक्रम सफल कर लिया। दूसरी बात है कि हम वैसे तमाम अपने जिले के सभी प्रखंड वासियों, पंचायत वासियों जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे जो सोंडिक संघ के हैं, वो ध्यान दें कि आगे की नींव जो रखा जाए वह कैसे कार्यक्रम भव्य हो। जो कहे हुए हैं पूर्व के भाती, जो पूर्व रजिस्टर में जो अपने पे हम योगदान दिए हैं, राशि के योगदान दिए, वह अब स्वतः अपने अपने जिम्मेवारी को वहन करते हुए वह आगे के रणनीति बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सपने साकार की पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं विनोद भैया का कहना है। शंकर जी यहाँ जेएमएम नेता हैं और एक और भाई साहब, पहले आप बोलिए फिर जेएमएम नेता पहुंच जाएंगे। कैसा लग रहा है? ना ना आप बोलिए ना, कैसा लग रहा है? आप बोलिए ना, करवा दो बोले। अच्छा लग रहा है, हमारे सौभाग्य है कि हम लोग मतलब इस क्षण को अपने आंखों से देख रहा हूँ, साक्षी बन रहे हैं, साक्षी गवाह बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, ताकि आने वाला जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी में ये देखे कि नहीं हमारे जो कोई थे पूर्वज थे जिन्होंने ये करके रख दिया, करके रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखेंगे, बीएनबी दिखाने का काम करेगी बच्चों तक। दो शब्द बोलिए ना, कैसा लग रहा है, थोड़ा दो शब्द बोलिए। आज यहाँ सोनबाद में हमारे
जाति समाज के धर्मशाला सछात्रा आवास का निर्माण के लिए नींव रखा गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे इसको हम लोग संगठित रह के कार्य को बढ़ाने का काम करेंगे। बस इतना ही बोलते मैं अपने वाले को बताऊँगा। पत्रकार राजू मंडल जी के पास जो लगातार बने रहते हैं सुर्खियों में और छापते रहते हैं खबर, और खास बात यह है कि हमारे समाज के हैं राजू भाई, तो हम चाहेंगे कि आज सोंडिक समाज का सोंडिक समाज में आज यहां पर भूमि पूजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यहां पर जो भूमि दान दिए हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो दे रहे हैं आप सोनवाद वासियों को भी सबसे अहम भूमिका है, और हमारे समाज के लोग बराबर लगातार इस पर प्रयासरत रहे, और जिन्होंने भूमि दान दिया है उनको धन्यवाद देना ही है। बाकी समाज के सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हर हाल में इसे सहयोग करके छात्रावास को जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जल्द से जल्द हो सके कि छात्रावास बने, और यहाँ जितना जल्दी लोगों को पता चले और यहाँ पर छात्रावास का निर्माण हो जल्द से जल्द, सभी का सहयोग। यानी कि समाज में अभी कुछ देने का समय आ गया है, लेने का नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं चलिए हम लोग चलते हैं पंडित जी के पास, जिनके वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पर विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हम चाहेंगे पंडित जी महाराज से कि हमारे सब जाति बंधुओं पर आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनी रहे, और क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? आज यही कहना चाहते हैं कि हम सिंधी समाज का सब मेरा ही यजमान है, आप भूमि दान दिए हुए हैं, एक हम गरीब ब्राह्मण हैं, यहाँ का सब सेवा सत्कार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी का कहना है कि जब यहाँ छात्रावास बने तो पंडित जी का भी एक रूम बने, बिल्कुल पूजा पाठ के लिए आपका होगा। कहीं से थकल ना आए हैं और साहब के पास क्या कहना चाहेंगे भैया? शुभ बेला। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आज वर्षों से हमारे समाज के लोग यह उम्मीद करते थे कि हमारा एक छत हो और छत के नीचे हमारा सब कार्यक्रम हो। हम लोगों ने बहुत बार दूसरे समुदाय के लोगों के बीच जो है सो मीटिंग किया, दूसरे समुदाय के छात्रावास में मीटिंग किया, लेकिन आज एक गर्व की बात है कि हमारे अधिवक्ता दशरथ प्रसाद ने सूढ़ी समाज को यह भूमि दान देकर, सूढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है इनकी और बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको बार बार हम लोग धन्यवाद करते हैं। और तमाम सूढ़ी जाति के लोगों के विभिन्न अहदे पर जो कार्यरत राजनीतिक दल के नेता लोग हमारे हैं, जात को अलग और पार्टी को अलग रखिए, इस समाज को उत्थान के लिए अपना अहम योगदान दें, और 23 तारीख 23 नवंबर जो डेट रखा गया है उसमें सभी लोग शरीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कड़ी धूप में समाज के प्रति आपने जो भागीदारी निभाई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर स्थानीय है रामप्रसाद मंडल जी, इसी पंचायत से हैं और इसी क्षेत्र से, इसी गांव से, क्या कहना चाहेंगे? भूमि पूजन हुआ, यहाँ पर छात्रावास बनेगा बच्चों के लिए, आपका पड़ोस, आप पड़ोसी हुए सबसे नियरेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए, चालू है। हाँ, जो सोनभद्र जी जो भूमि पूजन हुआ है दिया था, ये सभी सोनभद्र को गौरव भाई के पूर्ण रूप से काम नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे साधु बाबा? कुछ कहना चाहेंगे भूमि पूजन के लिए? आज कुछ कहेंगे क्या? कुछ नहीं कहेंगे, इनकी टेंशन में है साधु बाबा, तो बन गए टेंशन में। आइए हम लोग चलते हैं अपने। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा है, आप खुश है ना? पूरा आशीर्वाद आपका रहेगा, आशीर्वाद देखिए बीरबल चाचा का भी रहेगा, तो निश्चित रूप से जब आशीर्वाद अकबर बीरबल हुमायूं कर्णावती सबका रहेगा तो अच्छा ही होगा। और हमारे तरफ से संदेश यही रहेगा समाज वालों के लिए और समाज के साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को, नौजवान साथियों को, हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश रहेगा कि अपने समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समाज के अस्तित्व को तटस्थ और यथावत कम से कम रखने के लिए हम सबों को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हम अभी नहीं जगे तो आने वाला समय बड़ा ही भयावह होने को देख रहा है। अगर हम अभी से जग जाते हैं तो आने वाले
पीढ़ियां आने वाले हमारे वंशवाद खुशी और सुखी संपन्न रहेंगे, क्योंकि जागना तो हम सबों को एक बार पड़ेगा ही। वही अभियान और मिशन को लेकर के जगन्नाथ लगातार जगा रहा है और जगन्नाथ यह कह भी रहा है कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो वो मस्तानो जागो, जागो वो दीवानो जागो, जागो वो समाज वालो जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। इसलिए जागे और जागते रहे और बने भी रहे, किससे? बीएनबी से, जगन्नाथ के साथ, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, जय सोंडिक समाज, जय सहस्त्रा अर्जुन भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की। जय 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 हनुमंत यगाथा दुख पावत जल तनि अपराधा पूजा रत नियम यथारा नहि जानत हो कछु दास तुम्हारा वन उपवन मद गिर माहि तुम्हारे बल हम हर बल नाहि पाय परो कर जो महाओ नहि अवसर अब कहि ओराओ उठ उठ चल तो है राम दुहाई पाय परो कर जोरी मनाई ओम चंद चलंता ओम महान हनुमंता ओम महाकदेत कपि चंच ओम सहम प्राण कल्लत अपने जन को त्रंत युवारो सुमरत हो आनंद हमारो यही बजरंग बाल जही मारो ताही कहो फिर कबल कुमारो पाठ करे बजरंग बाल रक्षा करे प्राण की यो बजरंग बाल जाए आपने मोर पर सका के दोस्त युवारे से मैं ताकि तमने कर सफरे प्रीति कही कपी भजे सदा धरहूं सदा सहाय संतन धनुष सदा सहाय हे वीर रघुनाथ पठाए हे वीर रघुनाथ पठाए लंकाए धारी सिया सुधियाए लंका धारी सिया सुधियाए लंका सुनो समूह
तोरी नमकारे बैठी पताल तोरी नमकारे यही रावण के बुझाओ पारे यही रावण के बुझाओ पारे बाणी बुझा सुर दल मारे बाणी बुझा सुर दल मारे दाहिनी बुझा संत जन तारे दाहिनी बुझा संत जन तारे सुर नर मुनि जन यार उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर लोधारी कंचन धार कपूर लोधारी आरती कर हनुमान लाकी आरती कर हनुमान लाकी सन करुणासन तिरसान सासन ओम हर 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 महादेव अक्ष माला मन माला मुंड माला समाज ओम
ओम हरा 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 उठा कर के लाके घुड़साल में बांध दिया। वही सही शास्त्रार्थ है। वही फटवा के
सहले हैं इसीलिए बता रहे हैं। हम लोग चैनल पे देखते हैं तो बाहुबली फिल्म में महाराष्ट्र पुरी जो मेरा जगह है वही जगह है। जहाँ मन तहाँ बनाए दो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। जहाँ मन तहाँ बोल जकरा मन तकरा कुल अथी देवी देवता बना जे रंग आदमी मिलो सिरंग मंत्र वाले जहाँ जैसन तहाँ तैसन लाठी ले ले गवार जैसे। बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो जागो जागो वो दीवानो जागो जागो वो समाज वालों जागो जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। जगन्नाथ हमारा नाम है सोए को जगाना और बिछड़ो को मिलाना हमारा काम है। नहीं वाला है देखिए कोई श्रद्धालु अगर मोदी का है इच्छुक तो हम बोला महासुख आगे जाय रंग निरोपा मारूला जय विभीषण को सुख दीना सीता निरति परम बदलीना भाग उजारी रात को सोंडी समाज का इतिहास लोग पढ़ रहे थे जब हमारा चला ना तो इतिहास हमारे पास भेजा तीन चार वो सोंडी समाज का उसमें बताया गया है कलवाड़ वगैरह राजपूत ऐसे कोई यहाँ से प्रारंभ होता है दिया आज दिया ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।